नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 16 नवंबर। कल के सेशन की अगर हम बात करें तो कल फिर से एमसीएल बुलडेक्स में हमने मिला जुला ट्रेड होते हुए देखा। हमने देखा पिछले हफ्ते जो इन्फ्लेशन है वो 30 साल के हाई पे पहुंचने की वजह से एमसीएक्स पे भी हमने सोना चांदी और एमसीएल बुलडेक्स में सपोर्ट आते हुए देखा। बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल में 1870 का लेवल गोल्ड नहीं तोड़ पा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स बुलडेक्स की भी अगर हम बात करें तो प्राइजेस को 15,000 का लेवल तोड़ के होल्ड करे तो नई तेजी दिखाएगा, अदरवाइज 14,500 से 15,000 का जो 500 रुपए का रेंज है, इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एज ऑफ नाउ यूएस इकोनॉमी से फ्रेश क्लू के लिए मार्केट वेट एंड वॉच अडॉप्ट कर रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस एक सीमित दायरे में ट्रेड करें। तो आज के लिए एमसीएक्स बुलडेक्स साइडवे रहने की उम्मीद है। 14,750 के करीब मिले तो लेके चलिए, 14,850 से 880 तक के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मार्केट सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। वहीं कल के सेशन में अगर हम बात करें तो गोल्ड में इनिशियल गिरावट तो आई बट फिर से रिकवर करके मार्केट फ्लैटिश टोन के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया, जबकि चांदी में 0.5% की गिरावट हमने अब बनते हुए देखी। कहीं ना कहीं अगर हम देखें इन्फ्लेशन कंसर्न जो बन रहा है वो प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ ही दिखाएगा। जब तक प्राइजेस 48,800 के ऊपर मेंटेन है, पूरी गुंजाइश है कि हम 49,500 से 49,850 तक का लेवल देख पाए, बट ट्रेड सेटअप प्रॉपर नहीं होने की वजह से मार्केट एक दायरे में रहेगा। तो आज के लिए 49,100-150 के करीब लेके चलिए। ध्यान रखिए अगर 49,550 का लेवल तोड़ता है तो हम नई तेजी के लिए तैयार हो जाएंगे, जो 49,850 तक का भी लेवल दिखा दे। वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो 65,500 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है 67,800 के टारगेट के लिए। क्रूड में जैसे हमने उम्मीद की थी मार्केट में प्रेशर तो बन रहा है, बट कहीं ना कहीं वापस सप्लाई को लेकर कंसर्न बन रहा है, क्योंकि ओपेक के मेंबर्स ने कहा है कि हम प्रोडक्शन जल्दी नहीं बढ़ाएंगे, जिसके चलते प्राइजेस को 59.50 का एक स्ट्रांग सपोर्ट दिखाई देने लगा है। जबकि हमने देखा रशिया और बाकी कंट्रीज के अंदर भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन का आशंका बनी हुई है, जिसके चलते प्राइजेस पे दबाव भी है एनर्जी डिमांड को लेकर। तो ध्यान रखिए 59.50 के नीचे वीकली क्लोज काफी खराब हो सकती है क्रूड के लिए। नेचुरल गैस में कल हमने शॉर्ट कवरिंग देखा है, शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइजेस 2% की तेजी दिखाई है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि प्राइजेस 350 से 375 का जो रेंज है, इस रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बट आज की अगर बात करें तो नेचुरल गैस को लेके चलिए, 380-385 तक का टारगेट देखने मिल सकते हैं, क्योंकि कल हमने शॉर्ट कवरिंग होते हुए देखी है। कल पूरे बेस मेटल में हमने हाई लेवल से दबाव बनते हुए देखा है, खास करके जिंक, निकल, एल्यूमिनियम में। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे डिमांड वापस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्मेल्टर्स के जो आउटपुट है वो कहीं ना कहीं कट होते हुए दिखाई देंगे विंटर्स के अंदर चाइना से, जिसकी वजह से प्राइजेस पे सपोर्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं आज डेटा पॉइंट भी अच्छे रहने की उम्मीद है। एलएमई पे अगर हम बात करें तो सभी मेटल 0.5% से 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जिसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आज डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। गोल्ड की अगर हम बात करें तो 1870 के ऊपर निकलने पे ही हम नई तेजी देखेंगे, जो 1900-1920 तक का लेवल दिखा दे। चांदी के लिए 25-40 का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं क्रूड ब्रेंट क्रूड रेंज में रहेंगे, नेचुरल गैस में पॉजिटिव है, डॉलर इंडेक्स में तेजी का रुख कायम है डेटा पॉइंट को देखते हुए। आज अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस से इंपॉर्टेंट कोर रिटेल सेल्स का डेटा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, रिटेल सेल्स का डेटा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आज डॉलर में भी तेजी कायम रहेगी। चार्टिकली अगर हम बात करें तो एमसीएक्स बुलडेक्स में पॉजिटिवनेस है बट 14,950 के लिए, गोल्ड में पॉजिटिवनेस है बट 49,650 के लिए, लेड में भी बाइंग कही जा सकती है जो 191 का टारगेट रहेगा, क्रूड रेंज बाउंड है बट 59.50 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे